फ्रेंड्स, आई एम पविशा। वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं वो एक मैक्सिकन डिश है। उसका नाम है मैक्सिकन फजीता। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो देखते हैं। सबसे पहले उसके लिए ऐसी ओनियन जुलियन कट में कटी हुई चाहिए, तीनों कलर के कैप्सिकम, ये भी आप जुलियन कट में ले सकते हैं, ये चिली फ्लेक्स, ये टोमेटो प्यूरी जो मैंने घर पे बनाई हुई है, ये पनीर, ब्लैक पेपर, रेड चिली, रेड चिली की जगह पेपरिका यूज कर सकते हैं, और ये सॉल्ट, और ये रोटी जो मैंने बना के रेडी की हुई है, और ऑयल। एकदम इजी आइटम है। अभी हम गैस चालू करते हैं। उसमें ऑयल रखने के बाद अभी हमारा गैस चालू हो गया है। ऑयल थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे ये ऑनियन। ऑनियन को हम ऐसे सौते करेंगे। ये थोड़ा हमें मीडियम गैस पे करना है। बाद में हम तीनों कैप्सिकम डालेंगे, रेड, येलो एंड ग्रीन, तो एकदम कलरफुल होता है। वैसे कैप्सिकम आपको जुलियन कट में पसंद है तो आप काट के डाल सकते हैं। ये ऑनियन हमें तब तक सौते करनी है कि वो एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। उसका एकदम ऑनियन को एकदम सॉफ्ट करना है हमें। अभी ये हमारी ऑनियन सॉफ्ट होने आई है। अभी हम इसमें चिली फ्लेक्स, मैक्सिमम आइटम थोड़ी सी स्पाइसी होती है, अगर आपको स्पाइसी पसंद थोड़ा कम करना है तो ये चीज थोड़ी काट भी सकते हैं। ये मैंने ब्लैक पेपर जो ताजा कूटा हुआ लिया है, और ये रेड चिली और सॉल्ट, और उसको अभी हमें सौते करते रहना है। ये हमें सब स्लो गैस पे करना है। वो हो जाने के बाद अभी ये हमारी ओनियन रेडी होने आई है। बाद में हम उसमें पनीर डालेंगे। पनीर मैंने कच्चा पनीर नहीं लिया हुआ है, मैंने उसको थोड़ा सा फ्राई करके लिया है। अगर आपको फ्राई नहीं करना है तो आप पनीर को गर्म पानी में एक आध मिनट तक, ऐसे उसको पालक कैसे हम ब्लांच करते हैं ऐसे पनीर को आप एक दो मिनट गर्म पानी में डाल दो फिर काट लो, वो पनीर भी आप यूज कर सकते हैं। अभी ये पनीर डालने के बाद हम उसमें टोमेटो प्यूरी डालेंगे। ये अगर आपके पास सब रेडी है, प्रिपरेशन है, तो 5 से 7 मिनट में आपका ये डिश रेडी हो जाएगी। अब देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना, कलरफुल एकदम। उसको ऐसे ही 2 मिनट तक ऐसे सौते करते रहो। मसाला भी रेडी हो गया है। अभी हम गैस बंद कर देंगे और उसको एक बाउल में निकालेंगे। अभी हम ये मसाला, ये अपनी जो हमने रोटी ली हुई है, मैंने रोटी पहले से बना के रेडी की है, आप घर पे भी ऐसी रोटी बना सकते हैं, और घर पे नहीं बनानी है तो आपको बाहर रेडी भी मिलती है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। अभी हमें ऐसे ये रोटी पे ऐसे स्प्रेड करेंगे। देखो हमें मसाला अच्छे से भरना है इसके अंदर। ये हमारा मसाला भर के रेडी हो गया। तरफ हम
हमने गैस पे तवा रख दिया है और यहाँ हम ये भर के उसको रेडी करते हैं। फिर हम तवे पे उसको रखते हैं। तवे पे रखने के बाद हमें थोड़ा सा ऑयल भी डालना है क्योंकि उसको हमें क्रिस्पी रोस्ट करना है। ये नॉनस्टिक तवे पे करते हैं तो वो चिपकता नहीं है और फटाफट वो क्रिस्पी हो जाता है। आप देख सकते हैं कि अभी हमारा एक साइड से रेडी होने आया है। जैसे ही वो रेडी होगा हमें उसको क्रिस्पी होने तक पकाना ही है। जैसे वो रेडी होने आए हम उसको उल्टा देंगे और उसको अच्छे से पकने देंगे। अभी इस तरफ भी अच्छे से पका नहीं है तो हम और एक बार दोबारा उसको उल्टाएंगे। ये मसाला भी बहुत अच्छा लगता है। ये हमने इंडियन स्टाइल में रेडी किया हुआ है तो उसमें हमारा टेस्ट भी अच्छे से आ सके। आप ये जरूर बनाना और ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। बच्चों के यंग लोगों को भी बहुत पसंद आता है तो आप उसको बना के सबको सर्व कर सकते हैं। अभी ये हमारा इस तरफ देखो रेडी हो गया है। इसको थोड़ा सा क्रिस्पी होने देना है। अभी ये हमारा रेडी होने आया है। अभी हम उसको एक प्लेट में सर्व करेंगे। अभी ये रेडी हो गया है। अभी हम उसको एक प्लेट में अच्छे से सर्व करेंगे। इसके साथ हमें टोमेटो केचप और उसको गार्निश समझ करेंगे। आपके पास सलाद है, कैबेज है, जो भी है उसके साथ आप उसको गार्निश कर सकते हैं। तो ये कलरफुल अच्छा सा लगता है और साथ में सलाद भी आ जाता है तो आप फ्रेश सलाद के साथ उसको सर्व कर सकते हैं। देखो फ्रेंड कितना इजी है ना। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करने का भूलिएगा मत। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स।